आज सालों बाद चुनाव है तो मोदी जी न्यूज को इंटरव्यू दे रहे हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए, मेरे चार सवालों के जवाब जरूर देना। पहली बात, अभी इसी चुनाव में एक विधायक ने ऑन ड्यूटी जवान को धक्के मारे, डराया, धमकाया, आपकी पार्टी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया जबकि वो बीजेपी का विधायक था। दूसरी बात, सेना में आज भी अफसरों द्वारा जवानों से घरेलू काम कराया जाता है जबकि अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। ऑल वर्ल्ड में बंद हो चुका है, हमारे यहां आपकी पार्टी इसको क्यों नहीं बंद करना चाहती? उसे बटमैन बोलो, चाहे सेवादार बोलो या उनके निजी नौकर बोलो। तीसरी बात, जवानों के लिए 4 साल की नौकरी आप लेकर आ गए लेकिन आपके मुंह से इसके लिए दो शब्द क्यों नहीं फूटे? पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की पेंशन तो पहले ही बंद थी, अब सेना के जवानों की भी बंद करना चाहते हो, लेकिन अपने एमपी एमएलए की पेंशन के बारे में आपने कभी नहीं कहा कि इनकी भी बंद करेंगे। चौथी बात, युवाओं की जिन्होंने मेहनत की थी, आर्मी एग्जाम वाले, एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाले, उन युवाओं की 4 से 5 साल की मेहनत आपने एक झटके में खत्म कर दी। आर्मी एग्जाम कैंसिल किया, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी, पुरानी सारी की सारी भर्तियां कैंसिल कर दी। क्यों? क्या वो भर्ती हो जाते तो आपकी ये योजना खटाई में पड़ जाती? इस विषय में आप जरूर जवाब देना। आपने अब तक इस स्कीम के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से क्यों नहीं कहा? अगर ये सही है तो आपके जनरल साहब ने कह दिया कि ये सेना की स्कीम नहीं थी, तो कम से कम अब तो आप बोल दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज मोदी जी ने एक ट्वीट किया है कि वो रात को 9 बजे न्यूज 18 पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं। माननीय, आपने पिछले 5 साल में कभी भी किसी न्यूज को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? पहली बात, चलो देर आए दुरुस्त आए, आज आप इंटरव्यू दे रहे हो तो मेरे मात्र 2 या 3 सवालों के जवाब आप दोगे? पुरानी घटनाएं तो आप भूल जाते हो, चलो कोई बात नहीं। अभी एक आपकी पार्टी के विधायक राजस्थान चुनाव में शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह ने एक जवान को धक्का मारा, उसको डराया, धमकाया, गुस्से में आपे से लाल होकर समर्थकों के साथ जवान की बेइज्जती की, आपकी पार्टी ने इस विषय पर एक्शन क्यों नहीं लिया? और अगर वो जवान आपका आपा खो देता तो आपके विधायक जी की फोटो पर हार टका होता? अगर मेरे जैसा जवान, मुझे पता है विधायक जी राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, बोलेंगे जी गुस्सा आ गया, हुआ राजपूत है। तो बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, वैसे तो मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद एक कॉन्स्टेबल के बच्चे हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि इस फोर्स में भी, इस वर्दी में भी बहुत से राजपूत हैं जिनका खून तीव्र गति से खोलता है। अगर उस जवान को या मेरे जैसा कोई जवान होता, गुस्सा आ गया होता, तो आपकी फोटो पर हार टका होता और आपके साथ पीडियो में कोई नेता पैदा नहीं होता। और बाकी नेताओं से भी कहना चाहता हूं, पंगा लेना लेकिन किसी जवान से पंगा मत लेना, ठीक है? हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर हंसते हंसते अपना शीश कटवाते हैं, इस वर्दी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, और देश के लिए भी। जब इस वर्दी की इज्जत के लिए हम लोगों के सरकार सकते हैं ना, तो इस वर्दी के लिए ऐसे नेताओं जी को भी सबक सिखा सकते हैं। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां, हमारी फोर्स के कुछ नियम कानून हैं जिससे हम बंधे हुए हैं, लेकिन उन मजबूरियों को हमारी कमजोरी ना समझे कोई भी। और इस पे माननीय मोदी जी दो शब्द जरूर कहें। दूसरी बात, आपने सेना के जवानों की नौकरी 4 साल कर दी, इस अग्निपथ पर अभी तक आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकले। मोदी जी जरा दो शब्द इस पे भी कहिए आप। ये अंग्रेजों के जमाने के चला आ रहा जो सिस्टम है, सहायक प्रथा, बटमैन, बड्डी, क्योंकि पहले अंग्रेज अधिकारी होते थे और जवान भारतीय होते थे, इसलिए वो जवानों को गुलाम समझते थे। घरेलू काम, कुत्ता घुमाना, बूट पॉलिश, मैडम बच्चों की सेवा करना, कपड़े धुलाना, दूध लाना,
रसोई में काम, झाड़ू पोछा ये जवानों से करवाते थे, क्योंकि वो हमारे को गुलाम समझते थे। लेकिन आज जवान भी हमारे, अफसर भी हमारे, फिर भी प्रथा बंद क्यों नहीं हो रही? हमें भी बताया, आप कहोगे कि कांग्रेस के समय बहुत से जो घटिया लोग हैं ना, वो बातों को नहीं समझ के बोलेंगे कांग्रेस के समय क्यों नहीं बोला, कांग्रेस के समय नहीं थी। अरे ठीक है, हमने कांग्रेस के समय ये चीजें नहीं हुई, हमने भी अच्छी गवर्नमेंट को 2014 और 19 में इसी को वोट दिया था, हमने भी सोचा था मोदी जी कुछ चेंज करेंगे, लेकिन अभी 10 साल में क्यों नहीं चेंज कर पा रहे? आज भी ड्रामा करते हो, मिठाई खिलाते हो, ये करते हो, लेकिन आज भी आपके जवान विदेश की बात करते हो, 4 साल की नौकरी आप विदेश की तर्ज पर लेके आ गए। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की पेंशन पहले ही बंद थी, सेना की भी बंद करने की योजना जो इसके पीछे की चाल है हमें पता है, लेकिन कभी आपने अपने विधायक एमपी एमएलए की पेंशन पर 2 शब्द बोला? आप ईडी के छापे दूसरी पार्टियों पर लगा रहे हो, आपकी पार्टी के नेताजी साइकिल पर चलते चलते फॉर्चूनर में चल रहे हैं, करोड़ों का बजट बना रहे हैं, इनको भी 2-4 को धकेलो ना अंदर, अगर ईमानदार है तो। फिर कह रहा हूं मोदी जी, वो 1.5 लाख आर्मी के युवा, एयरफोर्स के जो 7,000 फिर कैंडिडेट, जिनकी सालों की मेहनत आपके एक झटके में बर्बाद कर दी गई, कोर्ट को, कानून को, सबने आप दबा दिया, उसके लिए आप भी 2 शब्द बोलो ना। वो युवा सड़कों पर खाक जान रहे हैं, आज भी वर्दी के सपने लगाकर बेचारे चक्कर काट रहे हैं, उसके लिए कम से कम आप उनको तसल्ली के लिए 2 शब्द तो बोल दो कि आपने उनकी मेहनत क्यों बर्बाद की। आप अग्निपथ योजना भी लेके आ गए तो क्या उनको भर्ती करने से योजना आपकी खतरे में पड़ जाती? इस पर जरूर 2 शब्द बोलने मान्यवर जी, हमारी और आपकी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे को ना कांग्रेस से प्यार है ना बीजेपी से दुश्मनी, मतलब किसी पार्टी सपा बसपा से हमारी ना प्रेम भाव है और ना ही दुश्मनी है। मैं खुद सीकर से चुनाव लड़ा था, चुनाव बीत गए हैं और मेरे बहुत से साथी और भी लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, बनारस में भी, जगह जगह भी लड़ रहे हैं। क्यों हम देश सेवा का जज्बा रखकर हमारे अंदर सिर्फ हमेशा यही भावना होती है रिटायर होने के बाद में भी कि हम कहीं ना कहीं इस देश के प्रति कुछ करें, लेकिन इस देश के लिए हम सर कटाते रहे और आप खादी पैर कर आपके नेता लूटते रहे, तिजोरी भरते रहे, और जो लूटने वाले नेता आपने बहुतों को जेल में डाला, लेकिन जो आपकी पार्टी का पट्टा पहन लिए वो गंगा ना गए। हमें मजबूर ना करो कि हम आगे भी राजनीति में कुछ करें या कुछ और प्रक्रिया के तहत हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हम भी शांति से आधा जीवन, हमारा जब बच्चों के हाथ में खिलौने होते थे, खेलने की इच्छा होती थी, उस समय हम सेना में चले गए, हमारा वो एक लाइफ का, लोगों का जो एंजॉय करने का समय था वो हमने देश की सरहदों पर बिता दिया। अब आकर हम भी चाहते हैं कि अपने परिवारों के साथ आराम से रहें, लेकिन हमारी सिर्फ एक छोटी छोटी कुछ एक मांगे हैं, ORP, MSP, डिसेबिलिटी पे ये मिलने वाले अलाउंस, हम नहीं कहते कि हमारी आप अफसर के बराबर तनख्वाह करो या करो, लेकिन कम से कम सर्दी गर्मी में जो अलाउंस है, सर्दी तो हमें और अफसर को एक जैसी मिलती है, लेकिन आपके साथ बैठे हुए अधिकारी ये आपको कभी गाइड नहीं करेंगे। UNO की तरह लेके आगे तर्ज पर, विदेश की तर्ज पर, वहां चेयरपर्सन की कम और ग्राउंड में काम करने वाले की तनख्वाह ज्यादा है, कभी आपको बताया किसी ने? अरे बराबर भी नहीं है, तो UNO में जाकर जो इक्वल पेमेंट बढ़ती है ये तो उसको भी अपने हिसाब से बांटते हैं। ये टेंट में हीटर गीजर सब कुछ रखकर व्यवस्था, तब भी हमारे से 4 गुना ज्यादा पेमेंट ले रहे हो। MNS सिर्फ नर्स के लिए है, उसकी MSP हमारे से ज्यादा है। तो एक बार इन बातों पर विचार कीजिए मोदी जी, और खुले में इन चीजों का भी जवाब दें, ताकि हमें भविष्य में आपके सामने फिर नहीं आना पड़े। नहीं तो ये हमारा पहला थोड़ा सा मजबूती से चुनाव था 29 में, नहीं तो फिर हो सकता है आप तो चले जाओगे, और अभी आपके नाम से जो गधे पकौड़ी खा रहे हैं, क्योंकि सब मोदी के नाम से जीत रहे हैं जिनकी काबिलियत नहीं, जो गुंडे बदमाश बोलते हैं ना गधे, आपके नाम से आज गधे को भी पहरा दो तो जीत रहा है, लेकिन 29 तक शायद आप रिटायरमेंट ले लोगे आपकी उम्र के हिसाब से, फिर इस पार्टी का क्या होगा? हम भी चाहते हैं देश मजबूत आत्म रहे, तो अच्छे लोगों को लेकर आइए, बस यही मेरा कहना है। अगर सही लगे तो वीडियो को शेयर करें और इसमें अपना जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।